नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम वाराणसी में दुर्गा मंदिर के बाहर खड़े हैं। ये दुर्गा कुंड है, सामने आप टेंपल देख रहे हैं। अब हम यहां से अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं रॉबर्ट्सगंज जाने के लिए, मतलब सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए। सबसे पहले हम जाने वाले चुनार फोर्ट, जो यहाँ से 28 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, उसके बाद लखनियादरी, फिर ऐसे आगे। आज का नाइट से हम रॉबर्ट्सगंज में करेंगे। चलिए चलते हैं। मैं 10 तारीख को वापस यहाँ लौट कर आऊँगा, तब मैं दुर्गा मंदिर में अंदर जाके दर्शन करूँगा। अभी मैंने बाहर से माथा टेक लिया। समय हम चुनार फोर्ट में हैं। पिछले 1.5 घंटे में हमने फोर्ट बहुत अच्छे से घूमा। ऐसा कहते हैं भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। उनका पहला पांव विध्यांचल के इस हिस्से पे पड़ा जहां पर अभी हम खड़े हैं। अगर आप एरियल व्यू देखेंगे तो जो ये फोर्ट है, ये चरण के आकार में, मतलब पांव के आकार में, आप पंजा महसूस करेंगे और एड़ी भी महसूस करेंगे, और शेप एक पांव की तरह है। इसी कारण की वजह से इसको चरणादरी भी बोलते हैं, मतलब चरण, आदरी मीन्स पर्वत। लोक कथा के मुताबिक ऐसा कहते हैं यहाँ पर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई आए जिनका नाम भर्तहरि था। उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी और बाद में जब यहाँ पर राजा विक्रमादित्य आए, उन्होंने इस पहाड़ की 4 दीवारी बनाई जो आज हम देख रहे हैं यहाँ पर। जब आप फोर्ट के अंदर जाएंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो सोनवा मंडप के नाम से जाना जाता है। समय समय पर अलग अलग राजा यहाँ पर आए, उन्होंने रूल किया और उस सोनवा मंडप में शादियाँ हुआ करती थी। जैसे ही आप सोनवा मंडप के लेफ्ट साइड में नोटिस करेंगे, आपको एक जेल दिखाई देगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे थी, उन्होंने यहाँ पर जेल बनाया और नीचे काल कोठरी बनाई जहाँ पर कैदियों को कैद किया जाता था। थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो आप दूर गंगा जी का व्यू भी देखेंगे। अब मैं क्योंकि गंगा जी का जिक्र कर रहा हूँ तो आपको ये भी मैं बता देता हूँ, गंगा जी जब प्रयागराज से इधर आती है तो विंध्याचल पर्वत से टकरा कर अपनी डायरेक्शन चेंज करती है और बनारस जाती है। अगर यहाँ पर विंध्याचल पर्वत नहीं होता तो गंगा जी का रुख बनारस की तरफ नहीं होता, सीधा बिहार निकल जाती है। तो ये चीज़ नोटिस करने वाली है। अब थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। 1532 में यहाँ पर शेरशाह सूरी आए, उसके बाद मुगल्स में हुमायूं, अकबर, उन्होंने भी आके यहाँ पर रूल किया। बाद में लखनऊ के नवाब, उनका भी यहाँ पर रूल रहा। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठास, और समय समय पे अलग अलग रूलर्स ने रूल किया। और उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद तो गवर्नमेंट के पास है और आज की तारीख में ASI इसके लिए की देख रेख करता है। फोर्ट विजिट करने के जो टाइमिंग्स हैं, सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक है। मैंने एक कुआं भी नोटिस किया, वो 200 मीटर गहरा है। उसका जो पानी का सोर्स है वो गंगा जी का ही पानी है, लेकिन मैंने नोटिस किया नीचे बहुत सारी प्लास्टिक बॉटल्स गिरी हुई थी। मुझे लगता है कि यहाँ पर ना एक एंट्री फ़ी होनी चाहिए, जिससे कि एंट्री फ़ी कोई ले और किले के अंदर साफ़ सफाई रखे और ये बात को लोगों को भी बता सके कि भाई अंदर किले में आपको करना नहीं, क्योंकि ये मुझे लगता है ये जगह हमारे देश की ऐसी धरोहर है जिसकी हिस्ट्री ना जाने कितने बरस पुरानी है। तो इस किले की मेंटेनेंस एक अहम मुद्दा है जिसको एड्रेस करने की सख्त ज़रूरत है। तो कुल मिला के यहाँ पर आना हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, और वाराणसी क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो जो टूरिस्ट वाराणसी आते हैं वो यहाँ पर आएँ और ऐसा फोर्ट विजिट करें जिसकी हिस्ट्री ना जाने कितने साल पुरानी है। अब हम यहाँ से चलते हैं थोड़ा बाहर की तरफ और चलकर फाइंड आउट करते हैं कहीं पे हम नाश्ता कर लें, और एक यहाँ पर जलेबी भी मिलती है जो गुड़ से बनती है, वो भी चल के खाएंगे। देखिए हमने ये शॉप आइडेंटिफाई करी है, महादेव मिष्ठान भंडार। भैया हमें आप पूड़ी भाजी दे दो और गुड़ वाली जलेबी दे दो, यहाँ बैठे। परवल, आलू और पनीर की ये भाजी है। मुझे क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने बोला मुझे आप एक्स्ट्रा सर्विंग दे दो, ये मैं सेपरेटली पे कर दूँगा। सही है। देखो ऐसा है, करी बनाते समय ना पनीर को उसमें नहीं पकाया गया, पनीर को काट के उसमें कच्चा डाला गया,
परवल आलू गुड है, तेल बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा में भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आजकल मेरे को ना तेल का बहुत भरेज है, मैं बोलना भूल गया था मेरे को कम तेल में चाहिए, लेकिन अब जो बना है वही है, इससे कुछ कर नहीं सकते। जलेबी क्योंकि मैं कल आया था यहाँ पर, तो मैंने कल जलेबी खाई थी, वो हमने अलग से वीडियो रिकॉर्ड किया था जो आप दूसरे चैनल में देखोगे। वाह वाह, ये तो मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट लेवल टेस्ट है। कभी आपने मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट आकर जलेबी खा ली ना यहाँ की गुड़ वाली, तो आप इसके पक्के वाले फ़ैन बन जाओगे। मतलब आप फिर बनारस आओगे तो यहाँ पर स्पेशली जलेबी खाने आओगे, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब इतना जूस है गुड़ का इसमें, चाशनी का, कि आप बाइट करो पहले क्रिस्पी, बाइट करके आपको पूरा रस महसूस होता है। टू गुड। सब लोग क्या है चीनी वाली जलेबी बनाते हैं, गुड़ वाली मिलती है इंडिया में लेकिन बड़ी लिमिटेड जगह हैं जहाँ मिलती है। मैंने खाई है पास में 3 या 4 बार, या 2 बार तो कन्फर्म खाई है, लेकिन ये टेस्ट मुझे कहीं नहीं मिला जो मुझे इधर मिल रहा है। पहले मैं ब्रेकफास्ट फिनिश करता हूँ, जलेबी मैं लास्ट में खाऊंगा। देखो अभी हमारे को ना इन्फॉर्मेशन मिली है कि लखनिया दरी बंद है, क्योंकि हाल में ही वहाँ पे कोई हादसा हुआ है जिसकी वजह से वाटरफॉल टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से नज़दीक में ही ना सिद्धनाथ की दरी है 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, वहाँ जाएंगे, वापस आएंगे, फिर हम चंदौली डिस्ट्रिक्ट जाने का प्लान कर रहे हैं, वहाँ चल कर हम वाटरफॉल विज़िट करेंगे। राइट है, चलो आओ चलते हैं सिद्धनाथ की दरी, लगभग यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम वहीं जा रहे हैं। चुनार फोर्ट से जैसे अभी हम सिद्धनाथ की दरी की ओर जा रहे हैं ना, लेफ्ट और राइट साइड देखो कितनी सारी ग्रीनरी है, और बीच में हमारी गाड़ी चल रही है, अच्छा लग रहा है ना। जब हम बनारस में थे तो मुझे तभी लोगों ने बोला था कि आप थोड़ा आउटस्कर्ट्स में जाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, स्पेशली अभी रेनी सीजन है ना, दैट वे एक डिफरेंट किस्म का अनुभव हो रहा है। बनारस में एक अलग एक्सपीरियंस था, यहाँ पर एक अलग एक्सपीरियंस की शुरुआत हो चुकी है। हम सिद्धनाथ की दरी की पार्किंग तक पहुँच चुके हैं, कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, मैं तो हैरान हो गया हूँ देखकर कि यहाँ पर बसें भी खड़ी हैं, इससे अंदाज़ा लग रहा है ये वाटरफॉल कितना फेमस है। आओ चलते हैं फॉल तक, ये देखो सामने बस खड़ी है। देखो मैं वाटरफॉल के पास पहुंच चुका हूं, पानी का इस समय जो करंट है ना बहुत ज़्यादा कम है, पानी उतना ज़्यादा साफ़ भी नहीं है। मुझे थोड़ी देर पहले 2-3 लोगों ने बताया है कि इस साल बारिश बहुत कम हुई है, मतलब ना के बराबर बारिश हुई है, लेकिन आमतौर पर जुलाई और अगस्त का जो महीना होता है ना, यहाँ पर पानी काफ़ी भाव से आता है, तो लोग देखने के लिए यहाँ पर पक्का प्लान बना के आते हैं। हालाँकि बाहर के लोग नहीं आते, लोकल ही ज़्यादा आते हैं, क्योंकि बाहर वालों को तो इसके बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है। वहाँ पर देखो कुछ लोग पानी में बैठे हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, कम से कम और कुछ नहीं तो बीट द हीट। आज संडे होने की वजह से मुझे लग रहा है भीड़ ज़्यादा है, वीकडे में इतने लोग यहाँ पे नहीं रहते होंगे, और काफ़ी लोग यहाँ पर पिकनिक के हिसाब से आए हुए हैं, जैसे पीछे मेरे खाना बना रहे हैं, साथ साथ वो लोग फॉल इन्जॉय कर रहे हैं। ऐसा एक दो नहीं है, बहुत लोग हैं जो फुल डे स्पेंड करने के हिसाब से यहाँ पर आए हुए हैं। चलो सही है, 5-7 मिनट कहीं पर चट्टान पर बैठ जाते हैं, फिर हम यहाँ से चलेंगे। एक हमने बेसिक व्यू ले लिया, अब इस वाटरफॉल का क्या व्यू है, आओ जी। समय में राजदरी देवदरी वाटरफॉल के एंट्री गेट के बाहर खड़ा हूँ। हम यहाँ पर 5:40 पे पहुँचे, यहाँ आने के बाद पता चला जो
गेट के अंदर जाने की टाइमिंग्स हैं वो सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक है। आने से पहले मैंने ऑनलाइन चेक किया था, टाइम दिखा रहा था सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक, तो हमने सोचा लास्ट 20 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ आगे पता लगा हम लोग 1.5 घंटा लेट हैं। एनीवेज फिर हम काफ़ी देर तक वेट करते रहे, थोड़ा रिक्वेस्ट वगैरह की कि हमें आप अलाउ कर दीजिए, बट इन्होंने बोला कि नहीं, क्योंकि ये जंगल एरिया है तो इनका कहना ये है कि हम किसी को अलाउ नहीं करते क्योंकि जानवर यहाँ पे खुले में घूमते रहते हैं। सारे प्रोस कॉन सोचकर मैंने डिसाइड किया मैं रॉबर्ट्सगंज जाऊँगा जो यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, 70 से थोड़ा कम ही होगा, 1.5 घंटा पहुँचने में लगेगा, क्योंकि रात को रुकने में मेरिट नहीं है क्योंकि इस समय अंदर पानी नहीं है। जैसा हम लोग पीछे गए थे ना मिर्ज़ापुर में फॉल में, एक्सपेक्टेशन कुछ थी निकला कुछ और, क्योंकि इस समय बारिश नहीं हुई है इस साल, और ऊपर से क्या है कि बगल में डैम है, डैम का पानी आता रहता है, अभी डैम का पानी इन्होंने रोका हुआ है पिछले 2 दिन से, जिसकी वजह से जो पानी है वो भी और कम हो गया है। हाँ ये है कि हमें जंगल की फील ज़रूर मिल जाएगी क्योंकि यहाँ से 3 किलोमीटर अंदर जाते हैं ना तो आपको वो एक अलग एहसास होता है। तो फाइनली मैं रॉबर्ट्सगंज जा रहा हूँ, मैंने ये डिसाइड किया जो मेन मानसून टाइम होता है फॉल ऐसा दिखता है। राजदरी और देवदरी बगल बगल में है और गाड़ी से भी जा सकते हैं पैदल भी जा सकते हैं, 50 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री टिकट होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। और मैंने सुना अंदर ना आगे चल के ये लोग कुछ रहने की सुविधा भी बना रहे हैं, अभी बनेगा तो उसके बारे में पता चलेगा, लेकिन आई रियली लुक फॉरवर्ड टू, कभी मैं दोबारा वाराणसी आऊँगा ना तब मैं यहाँ ज़रूर आऊँगा। ज़्यादा दूर नहीं है वाराणसी से जगह, केवल 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। चलिए अब हम यहाँ से रॉबर्ट्सगंज को चलते हैं। रॉबर्ट्सगंज से अभी हम 8 किलोमीटर दूर हैं, हम हाईवे पे रुके हैं डिनर करने के लिए। सामने आप ढाबा देख रहे हैं, हरे कृष्णा ढाबा, हमको यहाँ पे डिनर करना है। ये हाईवे है वाराणसी से, जिस टैक्सी में हम चल रहे हैं ये पीछे खड़ी है। जो रास्ता हमने राजदरी से यहाँ तक तय किया है बड़ा मज़ेदार रास्ता था, रोड भी अच्छी थी और हवा भी बढ़िया चल रही थी, मतलब ग्रीनरी है, ऐसा लग रहा था हम जंगल के बीच से निकल रहे हैं, एक्चुअली जंगल ही था वो। राइट, चलिए आइए ढाबे की ओर चलते हैं। डिनर में मैंने 2 चीज़ मंगाई है, 1/2 प्लेट दाल और 1 प्लेट दम आलू जो स्टफिंग के साथ है, और ये इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, हर टेबल में आपको डिनर या लंच के साथ देते हैं। दाल का और दम आलू का जो टेक्सचर है ना बहुत इनवाइटिंग है, मतलब देख के लग रहा है अच्छी प्रिपरेशन होगी। पहले दाल टेस्ट करेंगे, धनिया हरी मिर्च से गार्निश किया, दाल का जो प्योर टेस्ट होना चाहिए ना वो है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मसाले नहीं है, वेरी नाइस टेस्ट, सिंपल भी और नाइस भी है। चलो दम आलू के साथ खाएंगे। बहुत बार ना रेस्टोरेंट में कहीं जाओ ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है डिसाइड कर पाना कि मंगाएं क्या, क्योंकि मैंने देखा है आप किसी रेस्टोरेंट में जाके पूछो ना कि आपका क्या फेमस है तो बहुत बार ये रेस्टोरेंट वाले ये बोलते हैं हमारा सब कुछ फेमस है, तो फिर आपको ही खुद ही सोचना पड़ता है कि आप क्या मंगाओ, क्योंकि वैसे तो बेटर रहता है जो फेमस है वही मंगा लो। ग्रेवी अच्छे से मसालेदार है, हालांकि मैंने कहा था मसाला मीडियम रखना, लेकिन कंपैरेटिवली हाई है और स्पेशली गर्म मसाले तेज है इसमें। देखो ग्रेवी अच्छी है लेकिन जो दम आलू है ना वो बहुत अच्छा है, उसके अंदर जो लाजवाब टेस्ट उसकी स्टफिंग का, हल्का हल्का खोया, हल्का हल्का पनीर, मज़ा आ गया। ये बहुत बढ़िया चॉइस होगी, और दाल तो वैसे ही बड़ी लाजवाब है। मैंने अपने लिए थोड़ा राइस भी मंगवाया है क्योंकि मैं दाल राइस के साथ ही खाने वाला हूँ। अरे वाह भैया, आपका ये ढाबे के टाइमिंग्स क्या है? सुबह 6 बजे से रात के 2 बजे तक। ये 1/2 प्लेट राइस है। देखो इस ढाबे की जो मेन चीज़ें मेरे को पसंद आई है ना वो है वेरी गुड फूड, गुड सर्विस। अब फूड की बात हो रही है तो मतलब ऐसा लग रहा है हमको कि फूड में जो विनिंग गेम है वो फ्रेशनेस की है। राइट, ओवरऑल टेस्ट मेरे को यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा हो गया हम लोग यहाँ पर रुके, और जैसा मैंने आपको बताया रॉबर्ट्सगंज से जब आप जा रहे होंगे रॉबर्ट्सगंज तो आपके 8 किलोमीटर पर रही है हरे कृष्णा ढाबा आएगा मेन हाईवे पर,
तो अगर आप लंच या डिनर टाइम के आसपास हैं तो यहाँ पर रुककर फूड खा सकते हैं। हमने अभी तक होटल की बुकिंग नहीं करवाई, जहाँ पर मैं रहना चाहता हूँ वहाँ का ना फ़ोन लग नहीं जाता, तो अब जाकर फिजिकली विजिट करेंगे होटल को और बुकिंग मतलब ले लेंगे होटल, और अब आपसे हमारी मुलाकात कल सुबह होगी। तो मैं आपको अभी के लिए यहीं पे बाय बाय कर रहा हूँ।